जय हिंद मेरे सभी प्यारे भाइयों को। मैं एक बार फिर अंकित यादव आपका स्वागत करता हूँ नैप्स एकेडमी चैनल पर। तो भाइयों, मैंने जैसा कि आप लोगों से बोला उसका रेस्पॉन्स मुझे बहुत अच्छा मिला। आपसे कहा था मैंने, जिसका कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप पे बता सकते हैं। तो दो चार लोगों ने मेरे से डाउट पूछा, ठीक है। तो अभी तो आपका ये चैप्टर हुआ नहीं है, लेकिन अगर डाउट आया है तो वो मेरा काम बनता है कि आपका डाउट क्लियर करना, ठीक है। तो ये डाइस का है, अभी आपका चैप्टर क्या क्या हुआ है। एक तो मिसिंग नंबर हुआ है आपका, ठीक है, मिसिंग नंबर हुआ है। और आपका दूसरा हुआ है वेन डायग्राम, ठीक है। ये आपके दो चैप्टर हुए हैं, ठीक। लेकिन अगर डाउट डाइस का है तो मैं आपका डाउट बिल्कुल क्लियर करूंगा, आपको कोई कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो ये डाइस का क्वेश्चन है, तो पहले थोड़ा डाइस पे बात कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। पहले डाइस पे बात कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे बात करेंगे। अब आपका डाइस होता है वो टू टाइप्स का होता है। एक तो आपका होता है स्टैंडर्ड डाइस और आपका दूसरा होता है जनरल डाइस। या सिंपल डाइस, ठीक है। ये जो डाइस होता है इसके अपोजिट फेस का सम कितना होता है? सेवन, ठीक है। इसके अपोजिट फेस का सम होता है सेवन। और इसकी एडजेसेंट साइड का सम कितना होता है? एडजेसेंट साइड का सम इसका कितना होता है? सेवन, ठीक है। बस इतना डिफरेंस होता है। आपसे इससे क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता कभी, ठीक है, क्योंकि आपको तो इसका पता ही है। इसका क्या है? अपोजिट साइड का सम, जो अपोजिट फेस होंगे उनका सम सेवन होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इससे पूछा जाएगा साधारण पासे से, ठीक है। ये जनरल डायस या इसे बोल सकते हैं साधारण पासा, और ये क्या है आपका? मानक पासा, ठीक। इससे आपको क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, इससे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसी का आपका क्वेश्चन है, वो आप क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि वो क्वेश्चन आपका है क्या, ठीक है। डाइस की बात करें तो अब एक क्वेश्चन भेजा है, वो क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन है आपका, एक डाइस को अगर दो बार फेंका जाए, ठीक, एक डाइस को अगर दो बार फेंका जाए तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ठीक है। तो आपके ये दो फेस हैं डाइस के, ठीक। इसमें से आपको बताना है जो क्वेश्चन पूछे वो, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है? चार के अपोजिट फेस पर क्या नंबर होगा? मींस चार के अपोजिट फेस का नंबर बताना है, फेस पर कौन सा नंबर होगा, कौन सा नंबर होगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन पूछा है, आपके ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, 2 6 3, 2 6 3, और चौथा ऑप्शन है डी ऑप्शन आपका, आइदर 2 एंड 6, 2 और 6, ठीक है। ये आपके चार ऑप्शन है। अब इसमें नंबर जो फिलेंगे वो है 1 3 4, और इसमें दे रखा है 4 5 1, 4 5 1, 4 5 1। आपको एक बात बताऊं मैं, वैसे तो इस सारी चीज को हम डाइस में डिस्कस करने वाले हैं, आपका कोई भी कॉन्सेप्ट रहेगा नहीं और उससे बाहर आने वाला नहीं है, ठीक है। इसमें जब अपोजिट फेस की बात आती है तो अपोजिट फेस कैसे निकालते हैं वो आपको बता ही देता हूं मैं। अपोजिट फेस कैसे निकालते हैं, जैसे कि ये दो आपको डायग्राम दे रखे हैं, इनमें जो नंबर कॉमन हो, ठीक है, उसी नंबर से हमें क्या करना है? क्लॉकवाइज घूम जाना है, मतलब क्लॉकवाइज रोटेट कर जाना है। जैसे आपका मान लो इसमें 1 कॉमन है तो 1 से हमें क्या करना है? क्लॉकवाइज। इसमें भी यहां 1 कॉमन है तो यहां से भी इसमें क्लॉकवाइज, ठीक है। ये आपका क्या होता है, इसका अपोजिट फेस निकालने का एक मेथड होता है।
लेकिन ये मेथड कब अप्लाई करेगा? ये मेथड सिर्फ और सिर्फ जब अप्लाई करेगा जब आपका सिंगल नंबर, ये दोनों डाइस दे रखे हैं इनमें एक सिंगल नंबर जब आपका कॉमन हो दोनों में, तब तो आपका ये कंडीशन अप्लाई कर जाएगा, मतलब ये मेथड आपका लग जाएगा। लेकिन इसमें क्या दे रखा है? इसमें एक और चार और एक और चार आपका कॉमन है, एक और चार और एक और चार दोनों में कॉमन है, तो जो कॉमन है उसे थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं, ठीक है। एक और चार को हम क्या करते हैं? थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, ठीक है। थोड़ी देर के लिए अगर हम एक और चार को भूल गए तो हमें अब बचा क्या? हमारा थ्री बचा है और फाइव बचा है। थ्री और जो बचा है वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? अपोजिट हो जाएंगे। तो थ्री है वो किसके अपोजिट हो गया? आपका फाइव के। एक आंसर तो आपको यहां से मिलेगा, एक फेस का अपोजिट फेस मिल गया। और अगर आपसे इसी में पूछा जाए फाइव के अपोजिट क्या हुआ, तो फाइव के अपोजिट भी आप बता देंगे आसानी से कि फाइव का अपोजिट थ्री होगा। लेकिन आपसे पूछा किसका है? अभी मैंने बताया था आपको चार के अपोजिट फेस का बताना है, ठीक है। अब ये तो हमने निकाल लिए, अब जो बचे हैं कौन कौन बचा है? आपका वन बचा है और आपका फोर बचा है, आपका वन बचा है और आपका फोर बचा है, ठीक है। इनका अपोजिट फेस निकालना है, तो जो इन दोनों में हमें न दिख रहा हो वही इन दोनों के अपोजिट फेस पे होगा, जो आपको इनमें नहीं दिख रहा हो वही आपके अपोजिट फेस पे होगा। तो आपको क्या नहीं दिख रहा है इसमें? टू एंड सिक्स, हमें दोनों में से किसी में भी नहीं दिख रहा है, दोनों में से किसी में भी आपको क्या नहीं दिख रहा है? दो और छह, ठीक है। दो और छह अगर नहीं दिख रहा है, दो और छह नहीं दिख रहा है और हमें पूछा किसका गया? एक और चार का, तो इन्हीं में से एक नंबर एक का होगा और एक नंबर चार का होगा। लेकिन आपके ऑप्शन क्या दे रखे हैं? दो छह तीन, आइदर टू और सिक्स। तो भाइयों बस इसमें एक चीज देखने वाली है, उस पर आपको फोकस करना है कि अगर इसमें दो और छह हमें इन दोनों डायग्राम में नहीं दिख रहे हैं तो वही अपोजिट होंगे एक और चार के, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसा मत कर देना, दो अगर उसने पूछा चार का अपोजिट क्या है, तो पहला ही ऑप्शन दो दे रखा है, आपके पास दो ही है, तो आपके माइंड में ये थॉट नहीं आना चाहिए कि इसका आंसर दो होगा, ठीक है। तो आप दो तो टिक नहीं करेंगे, ठीक है। फिर आपका छह भी दे रखा है इसमें, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, ना आपको छह पर भी टिक नहीं करना है, क्योंकि हम यहां नहीं बता सकते कि एक के अपोजिट क्या होगा और चार के अपोजिट क्या होगा। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आइदर टू और सिक्स, आइदर टू और सिक्स। क्यों? कि दो और छह में से चार के अपोजिट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दो और छह में चार के अपोजिट कुछ भी हो सकता है, तो आपका आंसर क्या होगा? आइदर टू और फोर, ठीक है। आपका आंसर क्या होगा? आइदर टू और फोर, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन था, अब दूसरा क्वेश्चन भेजा है, उस क्वेश्चन को भी डिस्कस करते हैं। वो क्वेश्चन आपका किसका है? कैलेंडर का। ये आपको समझ आया होगा, अगर ना समझ आया हो तो मैं चलो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। अगर इसमें एक नंबर, अगर इन दोनों में एक एक नंबर कॉमन होता तो हम इसे क्लॉकवाइज घूम जाते, और जहां क्लॉकवाइज जैसे एक नंबर दे रखा है तो आपका यहां लिख देते एक तीन चार, और इसमें भी क्या है? एक चार और पांच। लेकिन ये जब ही होगा जब एक नंबर आपको कॉमन मिलेगा दोनों में, ठीक है। एक नंबर कॉमन मिलेगा आपको दोनों में, लेकिन इसमें दो नंबर है तो ये आपका नहीं लगेगा, ठीक है। अब जब दो नंबर है तो मैंने क्या बताया था? दोनों नंबरों को एक बार को भूल जाओ, और जो फेस बचे हुए हैं वो फेस एक दूसरे के अपोजिट फेस होंगे, ठीक है जी। लिख दिया हमने, तीन का अपोजिट अगर पांच है तो पांच का अपोजिट तीन होगा, कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। ये आपका हो गया। अब जब बात आती है कि अब चार का हमें ढूंढना है, चार का ढूंढना है, तो जो इन दोनों में जो नंबर आपको नहीं दिख रहे वो ही किनके एक और चार के अपोजिट फेस होंगे, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको बड़े डिटेल में बताऊंगा डाइस में, आप बिल्कुल चिंता ना करें। तो दो और छह होंगे, ठीक है, दो और छह आपका एक और चार का अपोजिट होगा, लेकिन हम कंफर्म नहीं कह सकते कि एक का अगर दो होगा या एक का छह होगा, हम कंफर्म नहीं कह सकते। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? आइदर टू और फोर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भेजा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका कैलेंडर से है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका कैलेंडर से है। आपका वेन डायग्राम के बाद में कैलेंडर ही करवाने वाला हूं, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, आपको बस
उसके जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सारे अच्छे से सीखने हैं, फिर आपको कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है कैलेंडर में, ठीक है। तो जो कैलेंडर का क्वेश्चन भेजा है वो क्वेश्चन मैं यहां लिखता हूं। क्वेश्चन क्या भेजा है, इफ इफ टू डेज बिफोर, टू डेज बिफोर 3 days before yesterday, ये आपका क्वेश्चन है। इससे भी आगे है, अभी इज वेडनेसडे, इज वेडनेसडे, इज वेडनेसडे, ठीक है। देन व्हाट विल बी ऑन, देन व्हाट विल वी ऑन 4 days आफ्टर टूडे, 4 days आफ्टर टूडे, ये आपका क्वेश्चन है। इफ 2 days बिफोर, 3 days बिफोर यस्टरडे, इन यस्टरडे इज वेडनेसडे, वो कहता है कि 2 दिन पहले से भी, 3 दिन पहले, यस्टरडे से 3 दिन पहले और उससे भी 2 दिन पहले आपका क्या था, वेडनेसडे। मतलब यस्टरडे जो है उससे 3 दिन पहले और उससे भी 2 दिन पहले आपका क्या है, वेडनेसडे, ठीक है। तो आपको बताना क्या है कि 4 days आफ्टर टुडे, आज के दिन से 4 दिन बाद क्या दिन होगा, ठीक है। इसे भी मैं बड़ा डिटेल में करवाने वाला हूं, आप मेरी वीडियो को देखें, अगर अच्छा लगे तो उसे लाइक करें दोस्तों में, मतलब उसे शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है। इसका एक फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला कहें या अपना कॉन्सेप्ट करें, बाई टी, ये आपका हो गया टुमारो, ये आपका हो गया टुडे और ये आपका हो गया यस्टरडे। बीता हुआ कल, आज और आने वाला कल, ये चीज आपको याद रखनी है, वाई टी टी, ठीक है। बीता हुआ कल, आज और आने वाला कल, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट से ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है अगर आपने ये सीख लिया तो। और ये सारी चीजें मैं आपको कैलेंडर में बड़ा बड़ा डिटेल में करवाने वाला हूं, तो आप मेरी वीडियो को जरूर देखें। ये यहां से स्टार्ट करो, वेडनेसडे 3 days बिफोर यस्टरडे, मतलब 3 days बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे यस्टरडे से 3 दिन पहले, क्या 1 2 3, वो क्या कह रहा है कि उससे भी 2 दिन पहले, उससे भी 2 दिन पहले, ठीक है। इससे भी अगर 2 दिन पहले की बात करें तो 1 और 2, ठीक है। आपका क्या है, वेडनेसडे, आपका क्या है, वेडनेसडे, ठीक है। फिर मुझे कह रहा है कि 4 दिन बाद, किसके, टुडे से 4 दिन बाद, मतलब आपका ये हो गया आपका टुडे, तो 1 2 3 4 इस दिन का आपको बताना है कि इसका क्या आएगा। तो बस काउंट कर लो, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, आपका आंसर क्या होगा, सैटरडे, सिंपल, आपका आंसर हो गया सैटरडे, सैटरडे इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, सैटरडे इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देख लेते हैं एक बार इस क्वेश्चन को, आपको ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए और ये मैं बड़ा डिटेल में करवाने वाला हूं, फिर आपको बताए दे रहा हूं कि आप मेरी वीडियो को देखना ना भूलें। कैलेंडर की बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इससे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो फिर देख लेते हैं, ये आपका हो गया यस्टरडे, टुडे, टुमोरो, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, यस्टरडे से 3 दिन पहले और 3 दिन से भी 2 दिन पहले, तो यस्टरडे तो आपका ये हो गया 1 2 3 दिन और 3 दिन से भी 2 दिन पहले, तो 1 और 2, यह क्या है आपका, यह है आपका वेडनेसडे।
ये आपका क्या हो गया वेडनेसडे। फिर मुझे कहता है कि टुडे मतलब आज के चार दिन बाद क्या होगा, तो टुडे आपका ये है, तो एक दो तीन चार इस दिन का हमें बताना है, यहां से काउंट कर लो। अगर दो को वेडनेसडे था तो वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, आपका आंसर क्या हो गया सैटरडे। ठीक है, अगर आपको मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में भेजें। ठीक है, चलो ठीक है, इसी के साथ जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद आपका चैप्टर आने वाला है कैलेंडर, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग मेरे वीडियो को देखें और लाइक करें। थैंक यू, जय हिंद।